एक भक्त के कहने पर प्रभु श्री राम ने बनाई खीर। भक्त और भगवान की रोचक कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक कमल नाम का युवक था। वह बहुत आलसी था, लेकिन दिल का बहुत भोला भाला था। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोए रहता। घर वालों ने कहा कि चलो जाओ, निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। कमल घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा कि यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं करूँगा। गुरुजी ने कहा, तुम्हें कोई काम नहीं करना है, बस तुम्हें भगवान की पूजा करनी होगी। कमल ने कहा, ठीक है, पूजा तो मैं कर लूंगा। अब कमल गुरुजी के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम, ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया, फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं, कोई भी खाना नहीं बना रहा था। उसने गुरुजी से पूछा कि आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर मैंने उपवास कर लिया तो कल का दिन नहीं देख पाऊंगा, तो मैं उपवास नहीं रह सकता, मुझे तो बहुत भूख लगती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया, यहाँ पर उपवास भी रहना पड़ता है। गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम मत रहो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाएगा, तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा। बेचारा कमल क्या करता, फिर गया रसोई में। गुरुजी फिर आए और बोले, देखो अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा देना, और नदी के उस पार जाकर खाना बना लेना। कमल ने कहा, ठीक है। फिर लकड़ी, आटा, सब्जी और चावल लेकर कमल चल दिया खाना बनाने। जैसे तैसे करके कमल ने खीर बनाई। खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। कमल लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई ना आया तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला भाला कमल जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखी सूखी खीर बनाई है और आपको अच्छे अच्छे पकवान खाने की आदत है, मुझे लगता है इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबका एकादशी का उपवास है, खाना हो तो ये खीर ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। कमल असमंजस में पड़ गया कि गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई है और मैंने तो भोजन बस दो लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। कमल बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा न करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े प्रसन्न हुए और प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक भोला भाला कमल सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई, गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहाँ दो लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला हो गया है, ठीक है ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने तीन लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। बेचारे कमल महाराज को चक्कर आ गया, यह क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो दो आए, आज दो का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया, लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते, हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा, कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं है, जाकर देखना पड़ेगा। और फिर भंडार गृह में बता दिया कि इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार कमल महाराज ने सोचा
खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं। पहले बुला लेता हूँ फिर बनाऊंगा। फिर प्रभु श्री राम जी को गुहार लगाए, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। थोड़ी ही देर में सारा राम दरबार मौजूद हो गया। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन ये क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। कमल ठहरा भोला भाला और बोला, प्रभु इस बार मैंने ना खाना बनाया ना खीर बनाई। प्रभु ने पूछा, क्यों नहीं बनाया? कमल कहने लगा, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बनाइए और खुद ही खाइए। उसके मासूम जवाब से राम जी मुस्कुराने लगे। सीता माता भी गदगद हो गई। लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाए, माता सीता खीर बनाने लगी। कमल एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता खीर बना रही थी तो कई ऋषि मुनि भी खीर खाने के लिए आने लगे। गुरुजी ने छुपकर देखा कि खाना तो बना नहीं, कमल एक कोने में क्यों बैठा है, और फिर उसके पास जाकर पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? कमल बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। कमल ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, ये और बड़ी मुसीबत है। और कमल ने प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। कमल बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे तुम्हारी तरह सरल नहीं है, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। कमल ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं है इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी कहने लगे कि वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। गुरुजी के इतने वचन सुनते ही प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने खीर बनाई। दोस्तों बोलिए जय जय श्री राम। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो स्टोरीज वीडियो देखना पसंद है तो आप स्टोरी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।